राम जी खोजा प्रधान जी को सापा पहनाकर स्वागत करेंगे। आप संबोधन की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब से। हनुमान बेनीवाल चलो बावड़ी पंचायत समिति की वार्ड संख्या 5 की उम्मीदवार अनीता चौधरी प्रतिनिधि छोटे भाई राजूराम खोजा और जिला परिषद के वार्ड संख्या 25 की उम्मीदवार बहन शीला और प्रतिनिधि आपके पड़ोसी केसर सिंह जी रुतिया, हमारे लोकप्रिय विधायक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग साहब, मुंडवा के प्रधान गहमतराम जी डांगा साहब, राष्ट्र सरवण जी सरपंच साहब, उप सरपंच साहब पदम जी, खेड़ापा सरपंच साहब और जितने भी यहाँ सरपंच और जनप्रति जो सुबह से हमारे साथ सभाओं में चल रहे हैं, सम्मानित मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, दो तीन जोरदार जयकारे आप लगाए। जय बोले लाल दाजी महाराज की, जय बोले सच्चाई माता जी की, हजारी नाथी महाराज की, बाबू जी महाराज की, जय बोले वीर तेजाजी महाराज की, राम साहब पीर की। भाइयों, इस चुनाव के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को 1995 में पंचायत राज के अंदर जब सिंबल से चुनाव शुरू हुए, पहले पंच और सरपंच प्रधान प्रमुख बनाते थे, 95 के अंदर पंचायत समिति सदस्यों जिला परिषद सदस्यों के चुनाव शुरू हुए, वो प्रधान और प्रमुख बनाने लगे। पहली बार 26 साल के अंदर तीसरी पार्टी ने दोनों दलों को कड़ी चुनौती राजस्थान के अंदर दी। वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, किसानों के आशीर्वाद से, जवानों के जोश जुनून और जज्बे से बनी पार्टी है। भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन राजस्थान के अंदर जो किसानों की दुर्दशा थी, अंग्रेजों के राज के बाद अकाल का साया, राजाओं का राज, नेताओं का धोखा और उसके बाद के जो हालात थे, किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा था, किसान कर्ज माफी को लेके मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, छोटे भाइयों को रोजगार डिग्री के बाद और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने को लेकर नागौर से हुंकार भरी और भोपालगढ़ और जोधपुर जिले का बड़ा योगदान हनुमान बेनीवाल के हर संघर्ष के साथ रहा। चाहे मैं विश्वविद्यालय की राजनीति करता था और विधानसभा के चुनाव लड़ा, चाहे निर्दलीय लड़ा, पार्टी से लड़ा, आप सबकी दुआएं और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा। बाड़मेर बीकानेर के बाद सीकर और जयपुर में हम लोग इन तमाम मामलों को लेकर लाखों लोग जुटे, उस समय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया था। जब मैंने आरएलपी पार्टी बनाई थी तब बहुत से बड़े नेताओं ने कहा था कि कोई पार्टी बना ही नहीं पाया, हनुमान जी की पार्टी भी 2-3 महीने चलेगी, ये कौन से टिकट बांट लेंगे और बांट भी लेंगे, कौन से इनके उम्मीदवार जीतेंगे। नेताओं में जो कंपटीशन हुआ था आपस में, आप जानते हो, एक दूसरे को देखने की चाहते थे। भगवान की कृपा से 57 उम्मीदवार लड़ाए, हर जाति का उम्मीदवार, जाट, गुजर, मीणा, मेघवाल, मुसलमान, 3 राजपूत प्रत्याशी बनाए,
ब्राह्मण प्रत्याशी भी था, बावरी समाज के हमारी बहन इंदिरा जो जीत के राजस्थान की विधानसभा के अंदर साथ गई, के गर्ग और भील समाज से भी तीन दलित को टिकट दिए थे। तमाम जातियों को साथ लेकर एक नए राजस्थान के निर्माण की बात करी थी। विधायक की बात का जहां तक सवाल है, उस समय भोपालगढ़ के कई लोगों ने चिंता करी थी मेरे पास, आप ओछा तो उम्मीदवार मत लड़ाओ, हनुमान जी आप लड़ाओगे। मुझे नहीं पता क्यों चिंता करी थी, अगर मैं ओछा तो उम्मीदवार लड़ा था तो कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पे चली जाती है उस समय पर, लेकिन मैंने ओछा पे ध्यान नहीं दिया, मैंने लोगों पे ध्यान नहीं दिया। ऐसे 20-25-30 जगह राजस्थान के अंदर आप लोगों ने जैसा कहा हनुमान बेनीवाल ने वैसा ही किया। आपने आके कह दिया हमारी बात रखो, मैंने आपकी बड़े बुजुर्गों की बात रखी और उसी का परिणाम आज आप लोग भोग रहे हो भोपालगढ़ के। भाइयों, भोपालगढ़ के अंदर मैं आपको इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं, सरकार किसी के रहे नहीं रहे, छोटे मोटे 2-3 मुद्दे आपके सरपंच साहब चर्चा हो रही थी, उप सरपंच साहब पूरे जोश के साथ, इनका जो रुमाल है मुझे बगावत लग रही है इनके मन के अंदर, भागी हो गए हैं और जब तक MLA को घर नहीं बिठाएंगे इनका गुस्सा शांत नहीं होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं सरपंच साहब और पदम सिंह जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ, एक तो आपके गांव के अंदर जो ग्राम सेवक का मुद्दा है उस मुद्दे को खत्म कराएंगे और उसको भगा देंगे यहाँ के ग्राम सेवक। दूसरा भोपालगढ़ की पूरी पंचायती पुखराज गरीब जी करेंगे, विधायक किए हैं और सरकार सीधे से मानती तो ठीक है, नहीं तो उंगली टेढ़ी करके और गहलोत सरकार को ढीला कर देंगे। आज गहलोत जी के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, जो कह रहे हैं जो बीमार है अस्पताल के तो मैं छोटी मोटी बातें ही करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। वैसे मैं कांग्रेस पे अटैक करूंगा ज्यादा, भाजपा पे आज मेरा अटैक करने का मूड कम है, क्योंकि भाजपा पसंद दिख रहा हमारी पुरानी पार्टी को, भाजपा वाले मेरा उपयोग हर जगह कर लेते हैं और जब मुझे जरूरत पड़ती है तो इधर कर देते, ये हमेशा होता है। भाइयों, ये मैं भी 3 बार विधायक रहा, सांसद रहा, मेरे पिताजी विधायक रहे, छोटा भाई विधायक बना, लेकिन अगर 10 लोगों ने हमें कह दिया कि हनुमान जी इस मामले में आप इंटरफेयर मत करो, उसके बाद चाहे हमारा नफा हो नुकसान हो उनकी बात नहीं जाने दी, चाहे कितना ही बड़ा चुनाव में विरोधी हो, अगर वो आके बोल गया कि साहब चुनाव में विरोध कर दिया तंग मत करो, हमने किसी को तंग नहीं किया। इसी का परिणाम कि बार बार शिवसर में जीते और नागौर के अंदर जिन महिलाओं का डंका बजता था उनको घर पे बिठा दिया समेट के, तो आपके आपकी सेवा क्या करना। ओसिया MLA साहब के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, पहली बार विधायक बनी और जो पहली बार विधायक बनते मैं उनको नेता नहीं मानता, जब तक लाइसेंस रिन्यू नहीं होता, 2 बार विधायक नहीं बनता तब तक मैं उसके बारे में ज्यादा बयान नहीं देता। हाँ ये तय है कि ओसिया में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2023 के अंदर चुनाव लड़ेगी और पंचायत चुनाव के अंदर जो ओछा के रिजल्ट है वो चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे, उससे पूरी टिकट तो नहीं बांट पाए। नई पार्टी थी, जैसे नई नवेली दुल्हन आती है वो सारे काम का ढंग से नहीं जानते, तो धीरे धीरे सिखाना पड़ता है। नई पार्टी बनाई और नई पार्टी में सारे सारे बच्चे हमारे बताओ सब नौजवान हैं, तो कई टिकटें बंटी कहीं नहीं बंटी और कांग्रेस बीजेपी वालों ने देखो कितनी चालाकी करी कि टिकट काटा किसी का नहीं और सीधे पदम जी 3 बजे STM के वहां ले जाके दे दिए कि ये हमारा उम्मीदवार बाकी जाओ कर। उनको पता था कि पहले अगर पता लग गया तो कोई RLP में नहीं चला जाए, कांग्रेस वाला भाजपा में नहीं चला जाए और भाजपा कांग्रेस में नहीं चला जाए। देखो अगर दोनों पार्टियों को ठीक राजस्थान के अंदर किया और कार्यकर्ताओं की पूछ अगर करवाई है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने
तमाम कार्यकर्ताओं की कांग्रेस पार्टी से राजस्थान का मतलब। मैं किसी जाति के नेता के पास बैठा था, वो नेता मुझे कह रहे थे यार हमारे तो हमारे जाति के नाम से अपना वोट डालते, आपने क्या पंगा कर दिया। मैंने कहा क्या हो गया, बोले अब हमें उन सबको फोन करना पड़ता गांव के अंदर, मैं तो लोग कहते हैं बात करो तो जल्दी करो मान की तरफ चले जाएंगे। थोड़ा बोला आपने हमारे को मरा दिया, नहीं तो ब्याह शादी में जाते थे या कहीं मौत मौका जाते थे, सोते थे मौज करते थे, झूठी बात कहते थे, यार तुम्हारे वाले इतना पीछा करते हैं कि हमारे को सड़कों में घूमना पड़ता है। और ये सही बात है, राजस्थान के अंदर अगर नेताओं को घूमना सिखाया हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवानों ने, नेताओं से हिसाब किताब भी मांगा और हर वर्ग का साथ दिया। और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, तब देश के किसान के सामने यह था कि राजस्थान से गुजरात का जो दिल्ली का बॉर्डर है इसको कौन जाम करे। तब किसान नेताओं ने मेरे से बात करी कि हनुमान जी आप हमारी मदद करो। मैंने कहा मुझे क्या करना है कि आप कुछ रास्ते को ब्लॉक करना, हाईवे को। मैंने कहा हाईवे ब्लॉक करना और कुछ करना है,